नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ, तो आपको मैं वो सारे वीडियोस नहीं दे पा रहा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है तो बता रहा हूँ। वो है राजस्थान का नोटिस। अभी डिटेल्ड ब्रोशर और फी स्ट्रक्चर आना है, और हम जानते हैं, आपने बड़े पुराने वीडियोस देखे होंगे, राजस्थान में दो तरह की फीस सीट होती है, एक स्टेट कोटा फीस, एक मैनेजमेंट कोटा फीस। देखिए, सिंपल सी बात है कि किसी राज्य में भाई जो NRI की सीट होती है, वही राजस्थान में मैनेजमेंट कोटा है। सीट अब मेरिट से ही मिलती है। लास्ट ईयर तक ऑफलाइन थर्ड राउंड जयपुर में हो रहा था, इस बार उम्मीद है कि ऑनलाइन ही होगा। तो आप उसके हिसाब से अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनाइएगा ज़रूर। और अगर आप राजस्थान के भरोसे बैठे हैं राउंड 3 में, तो ज़रूर बैकअप, सुपर बैकअप्स रखिएगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो है डिपॉजिट्स। तो ये शायद पहला स्टेट है जिसने सरकारी सीट के लिए भी 50,000 का डिपॉजिट कर दिया है। 5 लाख का डिपॉजिट जो लोग प्राइवेट सीट लेना चाहते हैं, या जो राजस्थान में NRI सीट है, वो भी 5 लाख का डिपॉजिट होगा। 5 लाख का ही, जैसे मैंने बोला, कोई भी प्राइवेट सीट हो, चाहे स्टेट कोटा फीस चाहे मैनेजमेंट कोटा फीस। हम जानते ही हैं कि राजस्थान में सरकारी कॉलेज में NRI सीट है, 5 लाख फीस। डेंटल में भी 10,000 है, 2 लाख जो कि गवर्नमेंट की पेड सीट्स हैं, है ना, जहाँ पर वो 9 लाख फीस वाली सीट्स हैं, और 50,000 वेन यू आर गोइंग फॉर प्योर गवर्नमेंट। दैट मीन्स अगर आपको पेमेंट सीट भी अप्लाई करनी है, तो 2 लाख का डिपॉजिट देना है। अभी डिटेल रूल नहीं आया, लेकिन राउंड 1 तो फिर भी फ्री एग्जिट अब हर जगह ही हो गया है। जब मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में हो गया, तो राजस्थान में भी होगा। बट फिर भी देखिए, 2 लाख 5 लाख जमा कराने का तात्पर्य यही होता है कि लोग टाइम पास ना करें। और ये अच्छी बात उन्होंने कर दी है कि ये जो फीस है, ये इस बार फर्स्ट ईयर की फीस में एडजस्ट होगी, ये कहीं तो लिखा हुआ था। तो ये एक अच्छी चीज़ है, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है हमें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चलो भाई, ये जो फीस है, ये हम एडजस्ट कर देंगे, जो कि जब आपको सीट मिलेगी तो फर्स्ट ईयर की फीस पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत मोटा अमाउंट है। अभी भी देखिए, फ्री एग्जिट है, पर्पस वही होता है जो मैंने समझाया, कि बिहार ने क्यों 2 लाख पहले ले रहे हैं, यूपी क्यों ले रहे हैं, उत्तराखंड ने क्यों लेना शुरू करा। फिलहाल बस शायद हिमाचल और हरियाणा ही है नॉर्थ इंडिया में जो नहीं ले रहे, या मध्य प्रदेश से नहीं लिया, ताकि जो लोग टाइम पास करते हैं फॉर्म भर के, वो लोग कम से कम किए जा सके, और राउंड 1 में ही उसको सीट मिले जो असली में सीट लेना चाहता है। तो ये पर्पस रहता है। बाकी डिटेल्स आपको बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे कि फुल ब्रोशर आएगा। बट ये था डिपॉजिट को लेके, और गवर्नमेंट NRI में भी डिपॉजिट काफ़ी बढ़ा दिया है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक कीजिए, ताकि दूसरों को भी सटीक जानकारी मिलती रहे।